यूपी इंटीग्रेटेड टीचर मैथमेटिक्स एंड टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक्स चल रहा था हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। वीडियोस नंबर है हमारा 29। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम करना चाह रहे हैं सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स पर। वैसे इसमें क्वेश्चन हो चुके थे, फिर भी अभी कुछ और बाकी हैं। जैसे e की पावर साइन x प्लस का आई वाई है, तो फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा e की पावर साइन x कोस आई बी, यानी कोस हाइपरबोलिक y हो जाएगा, एंड i i कोस x एंड साइन हाइपरबोलिक y। इसको अलग अलग कर लेंगे, e की पावर साइन x कोस हाइपरबोलिक y इंटू e की पावर i कोस एक्स साइन हाफ पब्लिक बाई ई की पावर आई थीटा हो जाएगा। ई की पावर आई थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोस कोस एक्स साइन हाफ पब्लिक बाई कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, आई साइन कोस एक्स साइन एच वाई। ठीक है, ये रियल पार्ट्स हो जाएगा और आई वाला जो टर्म है वो इमेजिनरी पार्ट्स में आ जाएगा, यानी कि इसके वाले टर्म की मल्टीप्लाइंग करके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ई एक्स पी ऑफ साइन आई थीटा, ई एक्स पी मतलब ई की पावर साइन आई थीटा, साइन आई थीटा इक्वल टू होता आई साइन हाफ ऑफ लिख थीटा। तो ये हो जाएगा ई की पावर आई थीटा होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोस साइन हाफ ऑफ लिख थीटा प्लस का आई साइन हाफ पावलिक थीटा। ये रियल पार्ट्स हुआ एंड ये इमेजिनरी पार्ट्स हुआ, आई साइन साइन हाफ पावलिक थीटा हुआ। ये इमेजिनरी पार्ट्स इसका हो जाएगा, एक रियल पार्ट्स आएगा दूसरा इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर जेड इज डिफाइंड। किससे डिफाइंड करता है ई की पावर जेड? पहला है एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनिट जेड की पावर एन बाई एन, समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनेट जेड की पावर एन बाई फैक्टोर एन, सी है एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनेट जेड की पावर एन बाई एन, एंड डी है एन इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनेट जेड की पावर एन बाई फैक्टोर एन। तो ई की पावर जेड किससे डिपेंड करता है ये हमको बताना है। आंसर आ रहा है इसका डी, यानी कि उसमें फैक्टोर एन होता है। ई की पावर जेड को लिखेंगे तो फैक्टोर एन बराबर जीरो से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, वन प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल वन, जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, इस तरह से आएगा। तो लास्ट वाला इन डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई की पावर जेड इक्वल टू वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री डॉट 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 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो किस पर डिपेंड करेगा? इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेट, जेट की प्रत्येक मान पर या सभी मानों पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइलर्स फॉर्मूला क्या है? आइलर फॉर्मूला यानी ई की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। चार ऑप्शन इसमें बने थे ई की पावर आई थीटा के, वो इसमें एक सही है और तीन गलत हैं, तो हम उसका गलत वाला पोर्शन नहीं दे रहे हैं। द पीरियड ऑफ ई की पावर जेड इज, ई की पावर जेड का पीरियड्स क्या है? पीरियड ये क्वेश्चन आ चुका है, पीरियड होता है ई की पावर जेड का, पीरियड शायद कहीं बता चुके हूँ, इज टू पाई आई। पीरियड ऑफ ई की पावर जेड इक्वल टू होता है टू पाई आई। कुछ लोग कहेंगे कैसे निकलता है, क्योंकि ई की पावर टू एन पाई आई इक्वल टू वन हुआ करता है, तो उसी से पीरियड का फंक्शन निकल पाएगा। ठीक है, ई की पावर जेड को लिखते हैं ई की पावर जेड इंटू ई की पावर
इंटू वन लिखा जाएगा, तो ई की पावर जेड इंटू ई की पावर टू एन पाई आई, तो ये ऐड हो जाएगा 2n पाई आई प्लस जेड में, तो पीरियड होता है 2n 2 पाई आई। ठीक है, पीरियड इसका हुआ करता है 2 पाई आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन, sin i थीटा इज इक्वल टू, साइन आई थीटा किसके इक्वल होता है? साइन हाइपरबोलिक आई थीटा इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा के, बी है साइन हाइपरबोलिक थीटा के, एंड सी है आई साइन थीटा के, एंड डी है साइन थीटा के। ये होता है आई साइन थीटा के। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर साइन आई थीटा की बात आ जाए तो वो होता है साइन आई साइन हाइपरबोलिक थीटा के। ठीक है, साइन आई थीटा इक्वल टू होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, बट साइन हाइपरबोलिक आई थीटा इक्वल टू होता है आई साइन थीटा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रियल पार्ट ऑफ ई एक्स पी एंड ई की पावर आई थीटा का फाइंड, इसका रियल पार्ट हमको फाइंड करना है। रियल पार्ट यानी कि ई एक्स पी, ई की पावर आई थीटा होगा कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ई एक्स पी यानी ई की पावर कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ई की पावर कोस थीटा इंटू ई की पावर आई साइन थीटा, तो ई की पावर कोस थीटा एंड ई की पावर आई साइन थीटा होगा कोस थीटा, कोस थीटा की जगह है साइन थीटा, कोस साइन थीटा प्लस का आई साइन साइन थीटा। ठीक है, तो रियल पार्ट्स होगा, रियल पार्ट होगा ई की पावर कोस थीटा इंटू कोस साइन थीटा, ये इसका रियल पार्ट्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ई की पावर प्लस माइनस का आई पाई बाई टू इस क्या होगा? ई की पावर आई पाई बाई टू होगा कोस पाई बाई टू प्लस माइनस आई साइन पाई बाई टू, यानी कि प्लस माइनस यहाँ भी रहेगा तो हो जाएगा कोस पाई बाई टू जीरो होता है, प्लस माइनस का आई साइन पाई बाई टू बन, तो प्लस माइनस आई हो जाएगा, प्लस माइनस आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ई की पावर टू आई थीटा प्लस का बी ई की पावर माइनस का टू आई थीटा इक्वल टू फाइव कॉस टू थीटा माइनस का सेवन आई साइन टू थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यूज इसमें फाइंड करना है। तो ये होगा ए ई की पावर टू आई थीटा होगा कोस टू थीटा प्लस का आई साइन टू थीटा प्लस का बी, ये होगा कोस टू थीटा माइनस का आई साइन टू थीटा इक्वल टू फाइव कॉस टू थीटा माइनस का सेवन आई साइन टू थीटा। तो रियल पार्ट्स में हो जाएगा, यानी कोस टू थीटा इक्वल टू होगा ए प्लस का बी, एंड इमेजिनरी पार्ट आई वाले में हो जाएगा आई आई साइन, आई साइन टू थीटा कॉमन अगर लेते हैं तो ये होगा ए यहाँ पे हो जाएगा और माइनस बी इक्वल टू फाइव कोस टू थीटा माइनस का सेवन आई साइन टू थीटा। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ए प्लस बी इक्वल टू फाइव होगा एंड ए माइनस का बी इक्वल टू माइनस सेवन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू फाइव है एंड ए माइनस बी इक्वल टू माइनस सेवन है, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस सेवन, एडिंग अगर कर देते हैं तो ये पोर्शन हो जाएगा टू ए इक्वल टू माइनस टू, ए इक्वल टू माइनस वन, चूँकि ए प्लस बी फाइव था, ए इक्वल टू माइनस वन, बी का वैल्यूज निकाल लेंगे तो बी इक्वल टू सिक्स, बी इक्वल टू सिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। ये यूपी टीजीटी 2013 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस हाइपरबोलिक टू थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड का पीरियड कितना होता है? टू पाई आई, एंड पीरियड ऑफ
कोस हाफ अवोलिक जेड, इसका भी 2 पाई आई, एंड पीरियड ऑफ टेन हाफ अवोलिक जेड, इसका होता है पाई आई। पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड 2 पाई आई, पीरियड ऑफ कोस हाइपरबोलिक जेड 2 पाई आई, एंड पीरियड ऑफ टेन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू पाई आई। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, यानी कोस अल्फा कोस आई बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन आई बीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा, इसमें आई आ जाएगा आई साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बना रखे थे, तीन चार ऑप्शन थे, एक ही करेक्ट था। ठीक है, तो करेक्ट वाला ऑप्शन भी उसमें मैच कर रहा है। इस तरह से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाया करते हैं। क्वेश्चन दिया है जेड इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ई की पावर जेड स्क्वायर। ई की पावर जेड स्क्वायर का मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं ई की पावर जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस का आई वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, यह हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का आई 2xy, यह हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड ई की पावर आई एंड 2xy। ठीक है, तो इसकी अगर मॉडुलस की बात आती है तो मॉडुलस हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई की पावर आई थीटा, यानी कि ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और ये जो टर्म्स आएगा इसका मॉडुलस के टर्म में, अगर मोड लेते हैं रियल पार्ट्स का, देखिएगा ये टर्म्स था ई की पावर जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ई की पावर जेड स्क्वायर लिया जाएगा, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एंड ये जो टर्म्स आगे बनेगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड कोस 2xy प्लस का आई साइन 2xy। ठीक है, ये आगे पोर्शन ये बनेगा, तो मॉडुलस में होगा अंडर रूट रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर, यानी कि कोस वाले का कोस 2xy प्लस का साइन 2xy का हॉल ऑफ स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यही यानी कि मॉडुलस ऑफ ई की पावर जेड स्क्वायर इक्वल टू रह जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रह जाएगा केवल। अब बात आती है कि एम्पलीट्यूड यानी कि एंगल थीटा की बात है, तो थीटा इक्वल टू 2xy ही होगा, देन मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा यानी कि मॉडुलस ऑफ ई की पावर जेड स्क्वायर इज ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ई की पावर जेड स्क्वायर इज 2xy। जो एंगल्स है वही उसका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यूज़ क्या होगी, यानी कि साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए एंड साइन बी, साइन हाइपरबोलिक आई बीटा, यहाँ पे हाइपरबोलिक है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं साइन हाइपरबोलिक आई बीटा का एंड कोस हाइपरबोलिक आई बीटा का, तो साइन हाइपरबोलिक जो होता है वो किसके इक्वल होगा, साइन हाइपरबोलिक आई बीटा, तो ये आई आई के इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक आई बीटा इक्वल टू हो जाएगा हाँ आई साइन बीटा के, यानी कि यह है साइन हाइपरबोलिक अल्फा कोस हाइपरबोलिक आई बीटा हो जाएगा कोस बीटा के इक्वल, एंड कोस हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक आई बीटा इक्वल टू होता है साइन बीटा आई साइन बीटा के, यहाँ आई को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक अल्फा कोस बीटा प्लस का आई कोस हाइपरबोलिक अल्फा एंड टू साइन बीटा, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट भी इसमें ऐसा ही है, कोस हाइपरबोलिक ए प्लस का बी इज इक्वल टू होगा कोस
कोस हाइपरबोलिक है, कोस हाइपरबोलिक भी माइनस का साइन हाइपरबोलिक है एंड साइन हाइपरबोलिक भी। ठीक है, तो हाइपरबोलिक का है तो हाइपरबोलिक में जो फॉर्मूला चेंज होता है शायद प्लस होगा, इसमें जनरल फॉर्मूला होता तो माइनस होता, हाइपरबोलिक का है तो उसमें प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हुआ करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस का वाई एंड कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस का वाई इक्वल टू क्या होगा, ये होता है 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस का साइन हाइपरबोलिक 2y। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल पार्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, द रियल पार्ट्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई का रियल पार्ट्स इसमें निकालना है, यानी कि साइन एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले और उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो साइन एक्स प्लस आई वाई का हो जाएगा साइन साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी, इसका हॉल ऑफ स्क्वायर यानी कि दो बार आ जाएगा, इसका रियल पार्ट निकाल लिया जाएगा। कोस आई बाई इक्वल टू यानी कि कोस हाइपरबोलिक बाई एंड आई हो जाएगा आई कोस एक्स इंटू कोस इंटू साइन हाइपरबोलिक बाई का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद जो टर्म्स बन जाएगा, आई स्क्वायर को माइनस वन रख देंगे, जो टर्म्स आ जाएगा वो इसका रियल पार्ट्स निकाल लिया जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई प्लस का आई स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस 2i साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक वाई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट्स इसका रियल पार्ट्स, रियल पार्ट्स इसका अगर निकालना है तो ये वाला पार्ट्स रियल पार्ट्स रह जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रख देंगे। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखने पर वो रियल पार्ट्स इसका आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वैल्यूज ऑफ ई की पावर थीटा प्लस पाई आई, इसकी वैल्यूज निकालना है तो ई की पावर थीटा इंटू ई की पावर आई पाई, तो ई की पावर थीटा ई की पावर आई पाई हो जाएगा कोस फाई प्लस का आई साइन पाई एंड ई की पावर थीटा कोस फाई कोस 180 माइनस वन होता है और ये जीरो होगा तो होगा माइनस ई की पावर थीटा की। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियोस का, टेन थीटा की वैल्यूज़ क्या है। टेन थीटा इक्वल टू होता है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस का आई थीटा अपॉन आई ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा।